हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। और मैंने पिछली क्लास में आपको फंक्शन के बारे में बताया था और साथ में मैंने आपको डोमेन के बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। आज मैं कुछ थोड़े से और एग्जांपल डोमेन के लेके आया हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रेंज, ठीक है। और रेंज के बहुत डिफरेंट टाइप के मेथड बताऊंगा रेंज कैसे निकालना है। जबकि मैं बता चुका हूँ आपको रेंज निकालने का वैसे तो कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन टू क्वेश्चन कुछ मेथड हम बना सकते हैं भाई इस तरह के क्वेश्चन को रेंज कैसे निकालना है। और वैसे भी जैसे जैसे मैथमेटिक्स थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो हम रेंज निकालने के थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड पढ़ेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है ऐसा देखा और चालू कर दिया आपने, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वाई इक्वल टू साइन वर्स में 3 टाइम्स ऑफ मॉड x माइनस 2। तो पहली बात तो ये है, कुछ छोटी मोटी चीजें आप याद रखो। वैसे तो अगला चैप्टर जो आएगा इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसमें हम आपको बताएंगे कि साइन वर्स की डोमेन क्या होती है कॉस इनवर्स की, लेकिन यहाँ पर कई बार यूज होगा इसलिए मेरा आपको कहना यह है कि साइन वर्स कॉस इनवर्स की रेंज अगर डोमेन पहले से याद हो जाए तो थोड़ा सा काम हमारा बन जाता है। तो थोड़ी सी बात याद करनी है, ज्यादा बड़ी बात नहीं याद करनी है, और जैसे जैसे आगे आएगा तो देखेंगे। तो साइन इनवर्स में जो एक्स होता है वो -1 से 1 होता है, ठीक है। साइन वर्स साइन का एक इनवर्स फंक्शन होता है, मतलब उल्टा वर्क करता है। तो अगर जो साइन की रेंज है वो साइन इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। इसी तरीके से जो इसकी रेंज है वो याद कर लो -π/2 से π/2 होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, वो सब हमें अगले चैप्टर में डिस्कस करना है। अभी सिर्फ आप ये फोकस करो कि उसकी डोमेन -1 से 1 होती है और रेंज -π/2 से π/2। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स जो है उसकी डोमेन -1 से 1 होती है, जो रेंज होती है वो 0 से π होती है। अभी सिर्फ ये दो बातें याद रखो और ये जनरली यूज होंगी, तो इसका मैं आपको रेंज और डोमेन में बहुत इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर देखो, मैंने लिया है साइन इनवर्स के अंदर 3 टाइम्स ऑफ मॉड x माइनस 2। तो साइन इनवर्स के अंदर वट एवर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -1 से 1। तो ये जो भी चीज लिखी है 3 mod x माइनस 2, ये कहां से कहां लाई चेंज करनी चाहिए, -1 से 1, ठीक है। तो 3 mod x क्या होना चाहिए, 3 mod x होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 से लेके 3 तक। तो मॉड x क्या होना चाहिए, तो मॉड x होना चाहिए 1/3 से लेके आपका 1 तक। तो x कितना होना चाहिए, तो आपको पता है कि किसी चीज का मॉड अगर 1 से कम है तो वो नंबर कहां लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में। और किसी चीज का मॉड अगर 1/3 से बड़ा है तो क्या आना चाहिए, -∞ से -1/3, 1/3 से ∞, दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा। तो ये तो इंटरवल लिखी दो 1/3 से 1। और इसी का मिरर इमेज बना दो, मैंने बताया था आपको 11th में कि मॉड जब भी हटाते हो तो दोनों तक पॉजिटिव क्वांटिटी उसका मिरर इमेज बना दीजिए आप, तो क्या जाएगा -1 -1/3, ये इसका हो गया आंसर। तो पहले पार्ट का जो डोमेन है वो आ गया आपका कितना, -1 से लेके -1/3 तक, यूनियन 1/3 से लेके 1 तक। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू के अंदर रूट ऑफ ई टू पावर समथिंग। आप ई टू द पावर समथिंग जो भी होगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और रूट के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। बट लेकिन कॉस इनवर्स के अंदर वट एवर क्वांटिटी होगी दैट शुड बी -1 टू 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे क्वेश्चन में जो लॉग ऑफ 4x² है, ये जो भी क्वांटिटी है कॉस इनवर्स के अंदर, इसको -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो x² क्या आएगा, वो आएगा 4 की पावर -1 से लेके 4 की पावर 1, क्योंकि आपको पता है जब भी लॉग में से जब भी लॉग हटाते हैं तो दूसरी तरफ जाके वो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। तो कितना बेस बन जाएगा, 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, अगर बेस 1 से कम होता तो इनइक्वालिटी क्या करती, रिवर्स कर जाती। और जैसे मॉड एक्स में होता है सिमिलरली x² में होता है, बस क्या होगा, रूट लग जाएगा। तो जैसे ही आप इसको एक्स के नाम में लिखोगे दोनों तरफ एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको तो लिख ही दीजिए क्या जाएगा, 1/2 से 2। और इसी का मिरर इमेज भी लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी हो चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी हो उसका स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। तो इसकी जो डोमेन हो गई वो हो गई -2 से -1/2 और 1/2 से 2 के बीच में। अब यहां पर मैंने फर्दर दो क्वेश्चन लिखे हैं, ये कई सारे बच्चों की डिमांड आई थी कि लॉग में अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कैसे करना है, बेस में अगर पूछा जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हाइपोथेटिकल मॉडल नहीं है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहां पर लिखा है लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और एक्स। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, लॉग के अंदर वट एवर क्वांटिटी है दैट शुड बी पॉजिटिव, एंड साथ में नीचे जो क्वांटिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड कैन नॉट बी 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो एक इंटीजर है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी एक इंटीजर है, और इंटीजर 0 से बड़ा होगा तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से 2 से 3 4 5 6, क्योंकि 1 को तो मना कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टार्ट कहां से होगा, 2 से, और ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 2 से स्टार्ट करेगा तो नंबर कहां से स्टार्ट करेगा, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि 2 से बड़ा कोई भी नंबर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो भी पूछाएगी वो 2 से बड़ी होगी, और 2 से 3 के बीच में जो भी होगा उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 के
बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों में अगर कॉमन दिखे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यही रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा डोमेन इसका, टू से लेके इन्फिनिटी। फिर से सुन लो, ये एक इंटीजर क्वांटिटी है और जीरो से बड़ा होना है तो स्टार्ट करेगी वन से, लेकिन वन हो नहीं सकता तो स्टार्ट करेगी टू से, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर टू से बड़ा है तो रिजल्ट क्या आता है, टू से इन्फिनिटी। ये भी मैंने आपको इलेवेंथ में लिखना सिखाया है, ठीक है। अच्छा, अब आप आगे देखो इसको, क्वेश्चन नंबर फोर को ध्यान से देखो आप क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा हुआ है नीचे फ्रैक्शनल पार्ट है और ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब आपको पता है कि अंदर की चीज जो भी होनी चाहिए वो दैट शुड बी पॉजिटिव। अब इस बार नॉट इक्वल टू वन लिखने की जरूरत ही नहीं है, लॉग के अंदर तो वन हो सकता है, बेस में नहीं हो सकता है। और दूसरी बात है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो भी कुछ है ना, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए बट नॉट इक्वल टू वन। आपको तो पता ही है फ्रैक्शनल पार्ट तो कभी वन के बराबर हो नहीं सकता, फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा एक से कम होता है और फ्रैक्शनल पार्ट तो बाय डिफॉल्ट जीरो से बड़ी होती है। तो ये तो क्या हुआ, इससे तो रिजल्ट आया एक्स कैन बी एनीथिंग, एक्स कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट इंटीजर, क्योंकि अगर एक्स इंटीजर हो जाएगा तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा, तो एक्स इंटीजर नहीं हो सकता। इसके हिसाब से एक्स क्या आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्टार्ट करना चाहिए वन से, क्योंकि जीरो से बड़ा होगा तो वन से स्टार्ट करेगा। तो रिजल्ट क्या आया, एक्स बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एक से बड़ा है तो लिखेंगे एक से लेके इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट नेचुरल नंबर, क्योंकि हमें सारे इंटीजर को एक्सेप्ट करना है। तो यह कह दो रियल नंबर माइनस इंटीजर और इसमें कॉमन लेना है और इससे क्या रिजल्ट आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू वन से लेके इन्फिनिटी, दोनों में कॉमन लेंगे तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, डोमेन हो गई, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, y इज इक्वल टू कितना है, log बेस टू मोड के अंदर log के अंदर साइन। अब साइन जो भी कुछ होना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन इतने इंटरवल में ही हमें चेक करना है। तो साइन को देख लेते इतने इंटरवल में कैसे बनता है, इतने इंटरवल में साइन ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन साइन पॉजिटिव होना चाहिए तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ये कौन सा इंटरवल है, जीरो से पाई, तो एक्स कितना होना चाहिए जीरो से पाई में, जीरो और पाई पे क्या लगना चाहिए, ओपन, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए है साइन के अंदर की चीज, लॉग के अंदर की चीज पॉजिटिव होनी चाहिए और पॉजिटिव होने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो डोमेन कितनी आ गई, डोमेन आ गई एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई। अगर और बड़ा इंटरवल लिया होता तो उसके हिसाब से भी आंसर हम लिख सकते थे। तो ये बेसिक आइडिया है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था डोमेन के बारे में, कई सारे बच्चों को डिमांड आई थी तो मैंने वो क्वेश्चन थोड़े से पिकअप किए हैं। और इसके बाद हम अब लेते हैं अगला टॉपिक रेंज, ठीक है। तो रेंज मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि अपनी डोमेन के अंदर किसी भी फंक्शन के जितने भी पॉसिबल आंसर आते हैं उन सारे पॉसिबल आंसर का कलेक्शन जो होता है उन्हें हम बोलते हैं रेंज। तो उसको मैंने डिफाइन कैसे किया था, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट यानी कि वाई इन इट्स डोमेन फॉर ए फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स इज नोन एज रेंज ऑफ फंक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एफ। और हमने छोटे मोटे दो तीन एग्जाम्पल लिए थे, अब मैं डिटेल में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ले रहा हूं और साथ में मैं ये बता रहा हूं कि कुछ पर्टिकुलर पैटर्न देख के आप रेंज को निकाल सकते हो, ठीक है। लेते मैंने यहां पर पहला मेथड लिया है टाइप वन, मतलब हर मैंने बताया ना मेथड तो कोई होता नहीं है, तो हमने अलग अलग तरह के टाइप बना लिए, इस तरह का दिखेगा तो ऐसे सॉल्व कर लो, उस तरह का दिखेगा तो ऐसे सॉल्व कर लो, और बाकी जब कुछ नई आइडिया लगेगा तो फिर हमारे पास कुछ जनरलाइज तरीका होगा तो वो भी देखते हैं, लेकिन कोई फिक्स तरीका नहीं होता, क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से उसका तरीका चेंज करना पड़ता है ना। तो टाइप वन मैंने लिया है स्टैंडर्ड फंक्शन। अब स्टैंडर्ड फंक्शन में क्या है, जैसे मैंने एक फंक्शन लिया है, फंक्शन लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स प्लस वन, दूसरा फंक्शन लिया है मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस थ्री फाइव, तीसरा मैंने फंक्शन लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। चौथा मैंने फंक्शन दिया है एफ एक्स वाई जेड, इसमें मैंने लिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस सिग्नम ऑफ वाई प्लस ई टू दी पावर जेड, और एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। ये मैंने कुछ छोटे से एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं और ले लेता हूं मैं, थ्री ई की पावर एक्स माइनस टू ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो इन सारे क्वेश्चनों में आप ध्यान से देखो, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फंक्शन हैं, इनके बारे में आप कुछ ना कुछ पहले से जानते होंगे। जैसे
मैं बात करता हूँ साइन एक्स की, तो आप सबको पता है साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है माइनस वन से वन, ठीक है। और अगर इसमें थ्री से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा माइनस थ्री टाइप्स ऑफ थ्री साइन एक्स से थ्री। इनइक्वलिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं पॉजिटिव कॉन्टेक्स से, इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्लस वन एड कर दूंगा तो क्या जाएगा माइनस टू थ्री साइन एक्स प्लस वन फोर। तो जो इस फंक्शन, ये फंक्शन ही तो होगा आपका, फंक्शन की रेंज कितनी हो गई, कहां से कहां तक वैलिड होगा फंक्शन, माइनस टू से फोर के बीच में इसकी क्या आएगी वैल्यूज आएंगी। तो ऑल द पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई, आर एफ इज इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू माइनस टू से फोर तक। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है माइनस टू से लेके फोर तक। मिनिमम वैल्यू बता रही है कि फंक्शन नीचे तक कितना जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू बता रही है कि फंक्शन मैक्सिमम ऊपर कितने तक जाएगा। हो सकता है उसके बाद जाके वो लौट आए कि इससे ऊपर वो नहीं जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, दूसरे क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस थ्री पाई। अब मुझे ये बताओ, अभी अभी तो मैंने बताया था आपको साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो कितनी है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ था, ठीक है, डोमेन और रेंज वो मैंने बताया ना। हम ये चैप्टर आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसे बहुत 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 डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी कई जगह साइनवर्स की डोमेन और रेंज की इस्तेमाल होगी, तो आप इसको लिख लो, और जब प्योर साइनवर्स और कॉस इनवर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम उसमें करेंगे, ठीक है। तो ये साइनवर्स की रेंज होती है, अगर इसे फोर से मल्टीप्लाई कर देते बन जाएगा माइनस टू पाई फोर साइनवर्स एक्स और टू पाई, और इसमें अगर थ्री पाई से अगर एड कर दे तो बन जाएगा पाई फोर साइनवर्स एक्स प्लस थ्री पाई और फाइव पाई, ये बन जाएगा। तो रेंज क्या हो गई इस क्वेश्चन की, पर्टिकुलर क्वेश्चन की, पाई से लेके फाइव पाई के बीच में इसकी क्या हो गई रेंज हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया, जब आप किसी ऐसे फंक्शन का रेंज निकालते हो जिसमें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन इन्वॉल्व होता है और डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, मतलब उसमें कोई एप्लीकेशन और नहीं लगने वाला है, तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम स्टैंडर्ड फंक्शन की कैटेगरी में डाल देते हैं। मैं तीसरा एग्जाम्पल देखता हूँ, तीसरा एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो, मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू फाइव माइनस टू कॉस है। तो हमें सबको पता है कॉस स्क्वायर एक्स का जो रेंज है वो कितना होता है, जीरो से वन, क्योंकि कॉस का जो रेंज होता है वो होता है माइनस वन से वन। स्क्वायरिंग करेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव बन जाएगी, और अगर इसमें मैं माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू, और इसमें अगर मैं फाइव से एड कर दूंगा तो बन जाएगा फाइव फाइव माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स थ्री। तो जो मिनिमम वैल्यू है इस क्वेश्चन में वो हो गई थ्री, और जो मैक्सिमम वैल्यू है फाइव, तो रेंज कितना आ गया थ्री से फाइव। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो रेंज है, इसमें जब जब ये बढ़ेगा तो ओवरऑल कम हो जाएगा, क्योंकि घटने वाली क्वांटिटी जो चीज लाइफ में कम होनी है उसको अगर बढ़ाते चले जाओगे तो ओवरऑल चीज कम हो जाएगी, ठीक है। और जो चीज बढ़ने वाली अगर वो बढ़ने लगे तो ओवरऑल चीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर माइनस में कोई चीज लिखी है अगर वो बढ़ रही है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, ठीक। अच्छा आगे देखो, क्वेश्चन नंबर फोर में देखो, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर में ये हो रहा है कि एक्स वाई जेड तीन इनपुट है और उससे लिखे हुए फंक्शन लिखे हैं, लेकिन तीनों आपस में डिपेंड नहीं करते, यानी एक्स बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बदल सकता है, वाई बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बदल सकता है, जेड बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बदल सकता है। इसका मतलब एक्स के बदलने से वाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भैया ये अपने बारे में अलग सोचेगा, अगर क्लास में हर बच्चा परफॉर्मेंस अपना अलग अलग दे रहा है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अगर सारे बच्चे अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस देंगे तो उस क्लास का परफॉर्मेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। अगर सारे बच्चे अपना मिनिमम परफॉर्मेंस देंगे तो उस पूरी क्लास का परफॉर्मेंस जो हो जाएगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, है ना। कुछ लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कुछ लोग खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो मिला जुला इफेक्ट आएगा, तो वो बीच का इफेक्ट है ना। तो सबसे कम रिजल्ट लाने के लिए हर बच्चे को फेल होना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा रिजल्ट लाने के लिए हर बच्चे को 100 में 100 नंबर लाना पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक के 100 आ गए तो दूसरे के 100 आएंगे आएंगे, ऐसा तो डिपेंड नहीं करता है। इसलिए अगर हर इनपुट अपनी इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम सबकी मिनिमम को जोड़ के मिनिमम वैल्यू ला सकते हैं, सबकी मैक्सिमम वैल्यू को जोड़ के मैक्सिमम ला। इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो कितनी है, इसकी जो रेंज है वो है जीरो से वन, और जो इसकी रेंज है वो है माइनस वन जीरो और वन, क्योंकि सिग्नम का जो रेंज होता है वो होता है माइनस वन जीरो और वन, और इसका जो रेंज है वो है जीरो से इन्फिनिटी। अब सुनते जाना, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है जीरो और इसकी मिनिमम वैल्यू है जीरो, तो जीरो प्लस जीरो हो गया जीरो, और इसकी मिनिमम वैल्यू है माइनस वन, तो जो तीनों का मिला जुला इफेक्ट आएगा वो आएगा मिनिमम वैल्यू माइनस वन, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो है वन, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इन्फिनिटी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वन, तो तीनों को जो जोड़ के इफेक्ट आएगा वो इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में तो ओपन लगता है, लेकिन
जीरो इक्वल टू है, जीरो माइनस वन भी इक्वल टू में है, लेकिन ये ओपन है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो रिजल्ट जुड़ के जो आएगा वो माइनस वन से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओपन, तो रेंज जो हो गई वो कितनी हो जाएगी फंक्शन की, वो रेंज इतनी हो जाएगी। ठीक है, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखो, e की पावर x की जो रेंज होती है वो होती है जीरो से इन्फिनिटी, तो अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा जीरो से लेके अगेन इन्फिनिटी, और अगर माइनस टू से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हो जाएगा अगेन इन्फिनिटी। हम रेंज क्या बोलेंगे, माइनस टू से इन्फिनिटी तक। ठीक है, माइनस टू से इन्फिनिटी तक। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो टाइप वन कैटेगरी में हम डालते हैं, और इसको हम बेसिकली ऐसे बोलते हैं कि हम पहले से कुछ ना कुछ जानते होंगे, बस उसको अप्लाई कर दे और आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो मैं आपको इसी YouTube लिंक के नीचे आपको मैंने पिछले मैंने YouTube लिंक में आपको डोमेन और रेंज की डिग्री भी दे दी थी, इस वाली डिग्री में मैं आपको रेंज के और भी थोड़ा एडिशनल प्रॉब्लम दे दूंगा, तो आप इसको ट्राई करिएगा। मैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के रेंज के प्रॉब्लम आपको दूंगा, मैंने अभी अभी वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रेंज के जितने प्रॉब्लम होते हैं वो मैंने एक डिग्री बनाई है, तो मैं आपको वो दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहां पर लिया है टाइप टू, और टाइप टू में हम क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होती है उसको पहले हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, जैसे आप इस किसी एग्जांपल में देख लो कि एक्स अगर बढ़ेगा तो एक्स स्क्वायर भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्स जीरो से वन के बीच में बढ़ेगा तो एक्स स्क्वायर कम होगा। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा वो तो डिपेंड करेगा कि इसके आगे क्या क्वांटिटी और इसके आगे क्वांटिटी है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में अगर हम पढ़ जाएंगे तो उससे अच्छा है कि पहले हम इसको किसी लीनियर फंक्शन का अगर परफेक्ट स्क्वायर टाइप में बना दें तो उससे क्या होगा, हमें ये आइडिया लग जाएगा भाई ये चीज इतनी बढ़ रही है, स्क्वायर करने से कैसे इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो जहां पर भी हमें ऐसा फील आए कि कुछ लेट कर, मतलब एक क्वांटिटी को अगर टी लेट कर लें और उसके अगर क्वांटिटी जैसा फील देने लगे हमें, तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो जैसे इधर मैंने कुछ छह क्वेश्चन लिखे हैं, छह के छह क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर का, कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, सबको पता है 9, 10 से बनाते चले आ रहे हैं आप सब लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और x के आगे 4 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका हाफ क्या आएगा 2 और 2 के स्क्वायर क्या होता है 4, तो बचा कितना इसमें 3। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, यानी fx की जो वैल्यू आएगी वो इतनी आ जाएगी। अब मुझे सिंपली सी बात बताओ, x प्लस 2 वट एवर है ये एक जीरो से इन्फिनिटी वाली क्वांटिटी है, और अगर इसमें 3 आप ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 से इन्फिनिटी। तो जो रेंज हुई फंक्शन की वो कितनी हो गई, 3 से इन्फिनिटी। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक है, सिंपल क्वाड्रेटिक है, तो सिंपल क्वाड्रेटिक के लिए तो आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, सिंपल क्वाड्रेटिक में अगर एक्स स्क्वायर के आगे पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ, और ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा तो मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी माइनस बी बाई टू ए पे, कितनी आएगी माइनस डी बाई फोर ए, जो वर्टेक्स होता है पैराबोला का, इसका एक पैराबोला बनेगा और इसका ये कितना होता है माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए होता है। तो माइनस डी बाई फोर निकाल लो, वो आपकी क्या हो जाएगी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और अगर आप कहां जा रहा है ऊपर की तरफ तो जो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी इन्फिनिटी, तो इसका जो रेंज आगे वो आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी। अगले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन है, इसका उल्टा बनेगा, यानी कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हो जाएगी और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो माइनस इन्फिनिटी होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस डी बाई फोर होगी, तो वहां से भी निकाल सकते हो। लेकिन फिलहाल मेरा जो टारगेट है वो है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करूंगा, इसको मैं लिख देता हूं माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, क्यों x के आगे 6 है, 6 का आधा होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब आपने बेसिकली माइनस 9 सब्ट्रैक्ट किया है तो प्लस 9 ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 14 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब सिंपली आप जानते हो जो x माइनस 3 का स्क्वायर है ना, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर माइनस लगा दूं तो क्या आ जाएगा, तो माइनस लगाने पे आ जाएगा इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी और जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जीरो। क्यों, अरे भाई नेगेटिव क्वांटिटी ना, नेगेटिव क्वांटिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो जीरो होगी, क्योंकि अगर x की वैल्यू 3 होगी तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा। ऐसे कर लो यार, x माइनस 3 पॉजिटिव क्वांटिटी है, माइनस मल्टीप्लाई करो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और इसमें 14 ऐड कर दो तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी का होल स्क्वायर यहां से आ जाएगा 14, तो रेंज कितनी आ जाएगी, तो रेंज आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके 4
14 तक, ठीक है, आप माइनस डी बाई 14 करके निकालते तो भी आपका यही आंसर आ रहा। तो पहले दो जो क्वेश्चन है वो प्योर क्वाड्रेटिक है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन में प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, कुछ रिप्लेस करने के बाद क्वाड्रेटिक है, इसलिए ये डिपेंड करेगा साइन पे, ये डिपेंड करेगा साइन या कॉस पे, ये डिपेंड करेगा थ्री पे, तो इसी तरह से ये सारे के सारे किसी न किसी चीज पर डिपेंड करेगा, ये प्योर क्वाड्रेटिक थे, ठीक है। तो आगे के देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर आप थ्री देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या हो रहा है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स प्लस फाइव, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, कैसे, टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस फाइव, परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, साइन के आगे टू है तो उसका आधे का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, अगर स्क्वायर वाली क्वांटिटी के आगे कोई क्वांटिटी नहीं होती है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं जो भी सिंगल क्वांटिटी उसके आगे लीजिए, मतलब इस वाले में जो सिंगल क्वांटिटी उसके अगर जो भी चीज है उसके हाफ का स्क्वायर एड और सब्ट्रैक्ट कर दो तो उतनी चीज परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है, बची हुई चीज को बैलेंस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, यानी कि फोर इधर आ जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ साइन एक्स का जो रेंज है वो कितना होता है, माइनस वन से वन होता है, और अगर साइन एक्स माइनस वन का मैं बात करूं तो रेंज जो हो जाएगा वो जीरो से टू हो जाएगा, है ना, नहीं, माइनस टू से जीरो हो जाएगा, और इसका स्क्वायर की अगर बात करूं तो आपको पता है स्क्वायर करने में क्या होता है, स्क्वायर करने में ये होता है कि जो नेगेटिव क्वांटिटी वही पॉजिटिव हो जाती है, तो माइनस टू से जीरो का जो स्क्वायर होगा वो जीरो से क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और उसमें अगर मैं फोर को एड कर दूंगा तो रिजल्ट क्या जाएगा, साइन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू एट, तो रेंज जो हो गई फोर से लेके एट तक, आगे बात समझ में। अब क्या है, इसमें कुछ लोग ये कह देते हैं कि सर इतना क्या दिमाग लगाना है, सर अगर मैं इसमें वन डाल देता तो वन माइनस टू प्लस फाइव यह आ जाता फोर, और सर अगर मैं माइनस वन डाल देता तो यह आ जाता वन प्लस टू प्लस फाइव एट, तो सीधा सीधा आ जाता, तो इसमें सर दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। देखो बेटा, आपने जब मैक्सिमम डाला तो मिनिमम का रिजल्ट आया, जब मिनिमम डाला तो मैक्सिमम का रिजल्ट आया, कुछ कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि मैक्सिमम जो मैक्सिमम वैल्यू आप साइन पे डालोगे मिनिमम वैल्यू डालोगे वो जो वैल्यू होंगी वो रेंज की वैल्यू के अंदर आ रही होगी या उसके बाहर की वैल्यू होगी, इसलिए हमेशा पूरी कोशिश करो कि परफेक्ट इसका बनाने की कोशिश वैल्यू डालो, अगर आप ऐसे डायरेक्ट पुट करने लगोगे तो कई बार गलत भी हो सकता है, इसलिए मेरा सजेशन ये है कि हमेशा परफेक्ट इसका बना, इतना टाइम लगता नहीं, जब आप प्रैक्टिस होगी तो मन के अंदर सारी चीजें हो जाती है। अब इसके लिए इधर से हम डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं, सब करने की जरूरत थोड़ी ना है, रेंज माइनस वन से वन, माइनस वन से मल्टीप्लाई, वो माइनस वन से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस टू से जीरो, उसका स्क्वायर करेंगे जीरो से फोर, और फोर एड करने के फोर से एट, तो ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, मन के अंदर करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा साइन की पावर चार, ये हमने सब इलेवेंथ में किए होंगे अगर आपको याद होंगे, बाकी आपने नहीं पढ़ाई करी थी तो वो आपका पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या हो गया, इसमें ध्यान से देखो साइन की पावर चार एक्स भी है, कॉस स्क्वायर एक्स भी, अब या तो क्वेश्चन को कॉस में कन्वर्ट कर लो या तो क्वेश्चन को साइन में, तभी तो आप टी मान के उसको परफेक्ट स्क्वायर बना पाओगे। तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए इसको मुझे लिखना पड़ेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर चार, उससे अच्छा कि आप उसको साइन में कन्वर्ट कर लो। तो क्या लिखा जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू दी पावर फोर एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब एक काम करो, दो मिनट के लिए साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लो तो आपको थोड़ा देखने में आसानी हो जाएगी। तो क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, इसको क्या लिख सकते हो टी माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर, कैसे, इसका हाफ क्या आएगा वन बाई टू, वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर एड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे यहां से आ जाएगा थ्री बाई फोर, तो कुल मिला के बन गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर एक्स की जो रेंज है वो कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स की जो रेंज है वो है जीरो से वन, और उसमें जब हाफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो रेंज कितना जाएगा माइनस हाफ से लेके हाफ तक, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको सिखाया गया है इलेवेंथ क्लास में कि अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव होगा तो सीधे स्क्वायर कर दो, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो भी सीधे स्क्वायर, सॉरी नेगेटिव से नेगेटिव होगा तो भी सीधे स्क्वायर कर दो, जो छोटा उसे छोटे में लिख दो, जो बड़ा उसे बड़े में लिख दो, लेकिन जब नेगेटिव से पॉजिटिव स्क्वायर करते हैं तो मिनिमम वैल्यू फिक्स हो जाती है जीरो, और मैक्सिमम इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो, जो भी बड़ा होगा उसको लिख दो मैक्सिमम में, तो मैक्सिमम आएगा वन बाय फोर, और अगर आप इसमें थ्री बाय फोर एड कर दोगे तो
तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर अगर एड कर दोगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1। तो जो रेंज हुई वो कितनी हो गई, इस केस में जो रेंज हो गई यही तो फंक्शन है अपना, देखो ना यही तो फंक्शन है। तो रेंज कितनी हो गई, 3/4 से लेके 1 तक हो गई, ठीक है। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे तो देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में आप ध्यान से देखो क्या लिखा है। ये लिखा है 9 की पावर x 3 की पावर x+1। 9 की पावर x को आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 3x का होल स्क्वायर 3 की पावर x+1। और ये क्या लिखा है आपके लिए, t² t+1, यानी कि 3 की पावर x को 2 मिनट के लिए आपने t मान लिया, तो ये सेम क्वेश्चन हो गया t-1 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो e की पावर x-1/t का होल स्क्वायर 3/4। अब इस बार क्या है, e की पावर x कहां लाई करता है, 0 से 1 के बीच में करता है, नहीं e की पावर x लाई करता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। हाफ से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो e की पावर x-1/2 से लेके इन्फिनिटी तक, और स्क्वायरिंग करोगे तो नेगेटिव से अगर पॉजिटिव जा रहा है स्क्वायरिंग करने पर मिनिमम फिक्स हो गया 0 e की पावर x-1 का होल स्क्वायर और इन्फिनिटी, और अगर 3/4 इसमें ऐड कर दोगे तो आ जाएगा e की पावर x-1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 3/4 और मैक्सिमम कितनी आ गई इन्फिनिटी। तो जो रेंज होगी इस क्वेश्चन में वो कितनी हो जाएगी, 3/4 क्लोज इंटरवल से लेके इन्फिनिटी। ये इसका हो गया रिजल्ट। अब हम देखते हैं सबसे आखिरी क्वेश्चन जो कि ये वाला है, इसको ध्यान से समझ लो। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर लिखा हुआ है fx = cos(2x - cos(x-1), ठीक है। और अब ये 2x है और ये x है, हमें तो लग ही नहीं ना परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन cos 2x का अगर आप फॉर्मूला खोलोगे तो क्या होता है, 2 cos² x - 1 - cos(x-1) तो हो गया 2 cos² x - cos(x-2), और अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनने वाली क्वांटिटी होगी। पहले तो 2 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, cos² x 1/2 और cos(x-2), ठीक है। और इसके बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो सीधे मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली cos(x-1/4) का होल स्क्वायर। बेसिकली आपने इसमें 1/4 ऐड किया होगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आपने 1/2 का एडिशन किया होगा, तो आप 1/2 का सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, तो कुल मिला के हो गया 2 cos(x-1/4) का होल स्क्वायर -5/2। अब रेंज में डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, बार बार अब नहीं करेंगे इतना लंबा छोड़ा काम, तो क्या लिखा जाए बताओ। तो इसका रेंज आएगा -1 से 1, -1/4 कर देंगे तो आ जाएगा -5/4 से लेके 3/4, और जब उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको पता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव में जब स्क्वायरिंग करते हैं तो मिनिमम वैल्यू फिक्स हो जाती है 0, और मैक्सिमम वैल्यू उन दोनों में जो ज्यादा होगा तो आएगा 25/16, ठीक है 25/16, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 से लेके 25/8, ठीक है। और 0 से लेके 25/8 में जब 5/2 सब्ट्रैक्ट करें तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 5/2, और 25/8 में से जब 5/2 चला जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 25 - 5/8, रिजल्ट आ जाएगा 5/8। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा -5/2 से 5/8। यार ये कर लेना, जैसे मैंने सारी चीजें करी थी वैसे ही करना है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये टोटल कंसेप्ट था बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर के पीछे, कि पहले आप चीजों को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और देन फिर आगे आप प्रोसीड करो। नाउ वी विल डिस्कस टू टाइप नंबर 3। क्या हमारा टाइप 3, और इसमें हमने कैटेगरी ली है am > gm। आपने 11th में एक टॉपिक पढ़ा था am > gm। अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं तो मैंने आपको कम से कम ये टॉपिक 3 बार पढ़ाया है। एक बार मैंने आपको जब बेसिक मैं पढ़ा रहा था तब मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको, एक बार जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक आइडिया दिया था, और जब मैंने फंक्शन का चैप्टर लिया था तब भी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, और उसमें इतना खास नहीं बताया था, लेकिन मेन आपको मैंने सिक्वेंस एंड सीरीज में ये बताया था, और उसमें बहुत डिटेल बताया था। 1-2 क्वेश्चन दिए थे, कम से कम 20-30 क्वेश्चन दिए थे, और साथ में जो डीबीपी भी दी थी मैंने वो बड़ी सी बहुत बड़ी दी थी। अगर फिर भी आपको जरूरत हो तो आपको कहां से जाके लेना है वो आपको सब पता हुआ है,
ठीक है। तो इधर मैंने काफी सारे एग्जाम्पल लिए हुए हैं और इन एग्जाम्पलों में आप देखो कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल एम ग्रेटर देन जीएम से होंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज मेंशन कर देता हूँ, वो चीज ये है कि हर क्वेश्चनों में कुछ मैंने डोमेन ली हुई है पहले से, अगर ये मैं नहीं लूंगा तो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डोमेन लिखी है, ठीक है। वो डोमेन इसलिए लिखी है क्योंकि एम जीम लगाने के लिए पहले कुछ कंडीशन होती है। तो आपको याद होगा एम जीम में क्या प्रॉपर्टी होती थी कि अगर नंबर जो आप ले रहे हो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, नेगेटिवली भी वर्क करता है लेकिन वो सबके लिए नहीं वर्क करता, फिर वो ऑड नंबर ऑफ क्वांटिटीज के लिए वर्क करता है। तो अगर हम सारी क्वांटिटीज के लिए बात करना चाहते हैं तो नंबर का पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो एम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। एम का मतलब है अर्थमेटिक मीन और जीएम का मतलब है ज्योमेट्रिक मीन, और इक्वल टू जब भी होल्ड करता है जब सारे नंबर बराबर होते हैं। अब जैसे पहला एग्जाम्पल ये वो रटा हुआ एग्जाम्पल होगा कि अगर x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो x प्लस वन बाई x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 होती है, ठीक है, और 2 से स्टार्ट कर देता है। तो भाई इसके लिए सिंपली क्या करना है, पहले वाले एग्जाम्पल के लिए लेट x एक क्वांटिटी, लेट करना आपके हाथ में। अब चीजें को आप इस तरह से लेट करिए कि अगर आप एम लगा रहे हो तो क्वेश्चन बन जाए, जीएम से आंसर आ जाए, जीएम से या तो क्वेश्चन बन जाए, एम से आंसर आ जाए। आंसर का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाए चीजें, मतलब वेरिएबल से फ्री हो जाए। तो एक मैंने चीज ले ली है एक्स और एक ले ली है वन बाई एक्स, क्योंकि एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो मैं एम ग्रेटर देन जीएम लगा सकता हूं। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स बाई टू मस्ट बी ग्रेटर देन एक्स इंटू वन बाई एक्स की होल पावर वन बाई टू। आपको एम जीएम का फंडा बताइए, अगर दो क्वांटिटी होंगी दोनों का सम बाई टू एम हो गया, दोनों का प्रोडक्ट की होल पावर वन बाई टू क्या हो गया, जीएम। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ रखा है, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, इससे आ गया एफ एक्स अपॉन टू, और इससे क्या आ गया वन। तो एफ एक्स की जो रेंज हुई किससे बड़ी हुई, दो से, तो जो एफ एक्स का रेंज आ गया वो कितना आ गया, दो से लेके इन्फिनिटी। और इसको तो तुम रिजल्ट की तरह याद रखो कि एक्स प्लस वन बाई जो एक्स होता है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस दो तक होता है और दो से लेके इन्फिनिटी तक होता है, है ना। अगर x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये रिजल्ट आता है, और x अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये रिजल्ट आता है। यानी कि नेगेटिव क्वांटिटी होने के केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस टू होती है, और पॉजिटिव क्वांटिटी होने के केस में इसकी मिनिमम वैल्यू टू होती है, ठीक है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का, लेकिन मेरा पर्पज ये था कि ये कैसे पता चला कि हमें ये लेना है। देखो जब मैंने इस तरह के दो नंबर लेट किए तो एड करने से मेरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है, और प्रोडक्ट करने से एक्स गायब हो गया, ठीक है। मैं ऐसे भी तो ले सकता था, ध्यान से देखो, मैं ऐसे भी ले सकता था, ऐड करने से क्या बनेगा, एक्स प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू एक्स, ऐड करने से यही बनेगा, नीचे थ्री आ जाएगा, उससे मतलब नहीं, मेरे को ऊपर सेम फंक्शन बन गया। लेकिन प्रोडक्ट करने से एक्स कटेगा नहीं, एक्स बच जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, एक्स का आंसर एक्स में लाने से कोई फायदा नहीं है। तो नंबर इस तरह के लेट करो कि एक तरफ जोड़ने से अगर क्वेश्चन बन रहा है दूसरी तरफ से खत्म भी हो जाना चाहिए। अगर दूसरी प्रोडक्ट की तरफ से आंसर आ जा रहा है तो आपका एडिशन की तरफ से खत्म हो जाना चाहिए। तो कुछ ना कुछ करके आपका एम जी एम फिट बैठना चाहिए, तभी आप एम जी एम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखो दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर टू, ये मैंने वन लिया है, क्वेश्चन नंबर टू में ध्यान से देखो, यहां पर एक्स स्क्वायर यहां से टू बाई एक्स है। तो सबसे आसान तरीका देखो, लेट एक्स स्क्वायर टू बाई एक्स नंबर ले लो। अब आप एम ग्रेटर देन जीएम लगा दो, और अगर एम ग्रेटर देन जीएम लगाओगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर टू बाई एक्स अपॉन टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टू बाई एक्स की होल पावर वन बाई टू। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम जनरेट हो गई, क्या प्रॉब्लम जनरेट हो गई भाई, ये तो कैंसिल आउट हुआ ही नहीं ना, तो इससे मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूं, मैं टू बाई एक्स की जगह ऐसा कर लू तो क्या हो रहा है। अच्छा ये नंबर मैंने सही लेट किए हैं, बिल्कुल सही लेट किए, अगर x पॉजिटिव क्वांटिटी तो एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स, वन बाई एक्स सारी क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव है। तो उससे मैं आप क्या कह सकता हूं,
अब मैं ये कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स नीचे आ जाएगा थ्री, और यहां से क्या रिजल्ट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स की होल पावर वन बाय थ्री, तीन नंबर है ना इसलिए। अब ये इससे कैंसिल आउट होकर फ्री हो गया, यहां से क्या आ गया एक्स स्क्वायर टू बाय एक्स बाय थ्री, और यहां से आ गया वन। तो जो एफ एक्स की रेंज हुई वो कितनी हुई, तीन से बड़ी, तो रेंज कितनी हुई थ्री टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया वो थ्री से इन्फिनिटी आ गया। अब ध्यान से आप तीसरा क्वेश्चन देखना, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। तीसरे क्वेश्चन में सबसे पहली जो गलती है, कह दो सबसे पहले बच्चे कहेंगे सर सबसे आसान तरीका है एक्स क्यूब और टू बाई एक्स ले लो, और उससे क्या होगा एड करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, और इंटू करेंगे तो एक्स नहीं कैंसिल हो रहा, तो सर एक काम कर लेते हैं इसको हम क्या कर देते हैं ऐसे लिख लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा और इंटू करेंगे तो एक एक्स बच जाएगा, फिर भी फायदा नहीं है। तो अब क्या करें, इसका मतलब कैंसिल आउट अगर एक्स क्यूब को करना है तो तीन बार एक्स होना चाहिए, इसके तीन टुकड़े होने चाहिए। अब तीन करोगे कैसे भाई, दो के तीन कैसे करोगे, ऊपर तो टू लिखा है, अरे कोई जरूरी थोड़ा ना है कि भैया टू है तो वन बाई एक्स लिखना है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, टू के थ्री बराबर टुकड़े करने तो क्या करोगे टू बाई थ्री टू बाई थ्री टू बाई थ्री, तो क्या लिखा जाए टू बाई थ्री एक्स टू बाई थ्री एक्स टू बाई थ्री एक्स, तो ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, ये तरीका क्या हो गया सही, और एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी सारी क्वांटिटी पॉजिटिव, तो हम एम ग्रेटर देन जीएम लगा सकते हैं, टू बाई थ्री एक्स टू बाई थ्री एक्स टू बाई थ्री एक्स बाई चार, और यहां क्या जाएगा एक्स क्यूब टू बाई थ्री एक्स टू बाई थ्री एक्स और टू बाई थ्री एक्स इंटू इंटू होल पावर वन बाई फोर, तो क्या हो गया एक्स 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 ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से क्या आ गया फंक्शन बाई चार, और यहां से क्या आ गया टू बाई थ्री टू बाई थ्री टू बाई थ्री, तो रिजल्ट क्या आ गया टू बाई थ्री की होल पावर थ्री बाई फोर। अब यहां पर एक बच्चे का क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था कि सर क्या जरूरत है कि हम टू बाई थ्री एक्स लिखे, हम एक तो लिख लेते हैं वन बाई एक्स, मतलब सर टू बाई एक्स को ऐसे तोड़ने में क्या बुराई है, वन बाई एक्स प्लस वन बाई टू एक्स वन बाई टू एक्स क्या बुराई है सर बताओ ना, सही तो है बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगा रखा है, और इक्वल टू का सिंबल से जब भी वर्क करता है जब सारे नंबर्स इक्वल हो, अगर रेंडमली तोड़ोगे तो ये आपस में कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर तीनों को इस तरह से लिखोगे तो अगर एक्स की वैल्यू वन हो गई तो ये टू बाई थ्री टू बाई थ्री टू बाई थ्री हो जाएगा। इसी तरीके से ये इसके लिए जिस एक्स के लिए बराबर होगा वो उसके लिए भी बराबर होगा, उसके लिए भी बराबर होगा, सारे नंबर बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू का साइन जब भी वर्क करेंगे जब सारे के सारे नंबर क्या हो जाए बराबर हो जाए, इसलिए हम जब भी तोड़ेंगे बराबर अमाउंट में तोड़ेंगे, किसी भी चीज को तोड़ेंगे तो बराबर अमाउंट में तोड़ेंगे। तो ये हमारा रिजल्ट बना, तो हमारा जो रेंज बना वो कितना बना, हमारा जो रेंज बना वो बना कितना, टू बाई थ्री की होल पावर थ्री बाई फोर इंटू चार से इन्फिनिटी हमारी थ्री। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर चार की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर चार में क्या हो रहा है, अब मेरे बताने की जरूरत नहीं है, आपकी पावर 12 है और इधर स्क्वायर इधर क्यूब है, कुछ ऐसी सेटिंग बैठा दो कि नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से कैंसिल हो जाए, क्योंकि सारे टर्म जुड़ रहे हैं तो ये एम जैसा बिहेव करेगा, तो प्रोडक्ट वाला गायब होना चाहिए, अगर प्रोडक्ट जैसा क्वेश्चन होता है तो प्रोडक्ट बनने के लिए एड वाला गायब होना चाहिए, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो तो प्योर फिर एम जी में क्वेश्चन हो जाएगा, फिलहाल रेंज में इस तरह के क्वेश्चन जनरली होते हैं। तो हम देखो क्या करें, एक्स की पावर 12 इसके तीन बराबर पार्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसके दो बराबर पार्ट कर देते हैं, एक्स क्यूब ऐसा नहीं ऊपर टू लेके इसलिए कर देते हैं, अरे सीधी बात है आप इसके तीन पार्ट कर लो तो नाइन आ जाएगा, और नाइन में आप तीन और ऐड करोगे तभी बारह आएगा, लेकिन तीन तो यहां से आएगा नहीं। ठीक है, इसके आप चार पार्ट कर लो तो ये आठ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एट हो जाएगा, लेकिन यहां से भी चार जनरेट नहीं होगा, तो सेटिंग कुछ ऐसी बनाओ कि काम बन जाए और सारे नंबर पॉजिटिव है। अब एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, छह नंबर है, तो एम जीव लगा दो, एक्स की पावर बारह दिस प्लस दिस तीन अपॉन एक्स स्क्वायर और दिस प्लस दिस टू अपॉन एक्स क्यूब अपॉन कितना छह, और सारे नंबर क्या कर दें होल पावर वन बाय सिक्स, सब कट के वन आ जाएगा, तो
एफ एक्स कितने से बड़ा हो जाएगा, छह से बड़ा हो जाएगा, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो जाएगी सिक्स टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, फोर की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो आंसर हो जाएगा वो सिक्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब आप चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि एक्स कुछ भी हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक पॉजिटिव है वैल्यू देगा, और पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल की मिनिमम वैल्यू हमेशा कितनी होती है, वो होती है आपकी टू से लेके इन्फिनिटी तक नहीं होती है, होती है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया टू से इन्फिनिटी। अब अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और साइन स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, जीरो भी आ सकती है, लेकिन मैंने एन पाई लिख मना कर रखा था, एन पाई भी जीरो हो नहीं सकता है, तो उस हिसाब से क्या हो गया, अगर नहीं भी लिखता ना तब भी सीधे वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि साइन जीरो का एन पॉइंट हो जाएगा, तो उस हिसाब से क्या हो गया एक दूसरे का रेसिप्रोकल है एक नंबर, उसके रेसिप्रोकल की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है टू, अगर वो पॉजिटिव है, साइन स्क्वायर तो पॉजिटिव क्वांटिटी ना, तो इसका रेंज भी कितना आ गया फिर टू से इन्फिनिटी आ गया। सिमिलरली यहां पर आप ध्यान से देखो, लिखा है 36 tan स्क्वायर एक्स 25 cot स्क्वायर एक्स, अगर tan वैलिड है तो cot इनवैलिड हो जाएगा, और cot वैलिड है तो tan इनवैलिड हो जाएगा, कहां पर, tan आपका पाई पर वैलिड होता है ये इनवैलिड हो जाएगा, और cot आपका पाई बाय 2 पर वैलिड होता है, लेकिन ये इनवैलिड हो जाएगा, तो वो नहीं भी लिखता तब भी मेरा काम चल जाता। ठीक है, तो मैं ये नहीं भी लिखूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, मैं ये नहीं लिखूंगा तब भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि ये वैलिड तो होना चाहिए ना। ठीक, तो उस हिसाब से मैं यहां पर देखने वाला हूं कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और जब भी रेसिप्रोकल जैसा कुछ फीलिंग आता है ना, तो हमारे हमें एक बार क्लिक करता है शायद एमजी में कोई चक्कर होगा, तो हम क्या करें एक नंबर ले लेते हैं 36 tan स्क्वायर एक्स, एक नंबर ले लेते हैं 25 cot स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि भैया एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कट जाएंगे, है ना, अगर नहीं कटते तो सेटिंग बैठाना पड़ता, तो हम क्या करें, हम क्या करें एम ग्रेटर देन जीएम अगर लगा दें तो क्या बन जाएगा 36 tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स 25 बाई 2, 36 tan स्क्वायर एक्स इंटू 25 cot स्क्वायर एक्स, ऐसा आ गया, और इधर से बन जाएगा एफ एक्स अपॉन 2, और इधर से क्या बन जाएगा, इधर से बन जाएगा 6, ये तो कैंसिल आउट हो गया 6 और 5, तो 6 और 5 कितना हो गया 30, तो जो रेंज आ गई एफ एक्स की वो कितनी आ गई 60 से लेके इन्फिनिटी, इसकी रेंज आ गई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या खास बात है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये खास बात है कि यहां पर लिखा है tan और यहां पर लिखा है cot क्यूब, अब tan और cot क्यूब एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है, लेकिन अगर tan को तीन बार लिख दिया जाए तो tan और cot क्यूब एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो हम क्या लिखें, हम यहां पर नंबर एड कर लेते हैं tan थीटा tan थीटा tan थीटा, और एक नंबर ले लेते हैं cot क्यूब थीटा, अब इन तीनों का प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट से करोगे तो खत्म हो जाएगा। क्या हम ऐसा लेट कर सकते हैं, बिल्कुल, जीरो से पाई बाय टू में tan एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम अगर am ग्रेटर देन gm लगा दें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, अगर am ग्रेटर देन gm लगा देते हैं तो उस हिसाब से हमारी जो वैल्यू आएगी tan थीटा tan थीटा tan थीटा cot क्यूब थीटा बाई 4 इज ग्रेटर देन, सबका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1 की पावर 1 बाई, अरे मतलब tan थीटा tan थीटा tan थीटा cot क्यूब थीटा की पावर 1 बाई 4, तो इसका कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ गया एफ एक्स जो आ जाएगा वो 4 से बड़ा आ जाएगा, तो जो रेंज होगी वो हो जाएगी 4 टू इन्फिनिटी, एफ एक्स नहीं एफ थीटा, क्वेश्चन थीटा में। ठीक है, अब यहां पर आप देखो सबसे आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो, जो sec स्क्वायर एक्स है वो cosec स्क्वायर एक्स के रेसिप्रोकल नहीं है, है ना, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्या लिखा है 4 टाइम्स ऑफ 4 tan स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, और 9 cosec स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 9 प्लस 9 cot ऑफ स्क्वायर, मैंने यही बताया था ना, अगर रटने लगोगे तो वैसे याद थोड़ा रखोगे, ऐसे करना वैसे करना, प्रैक्टिस करोगे अपने आप चीजें बन जाएंगी, क्वेश्चन देख के अपना आइडिया चेंज कर देना थोड़ा सा, तो 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा 13, 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स, अब इसमें आप लगा लेना amgm, अब कैसे करना है वो आप सब देख लेना, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो मैं डायरेक्ट एज्यूम कर लेता हूं ये दो नंबर दोनों का सम बाय 2, और दोनों का प्रोडक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 9 आ जाएगा आपका 36 का रूट 6, और 2 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 आ जाएगा,
12 में 30 ऐड कर लोगे तो 25 से लेके इन्फिनिटी इसकी क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। इस पे लगाना है एमजीएम। कुछ लोग कहते हैं सर इसको भी ले ले तो क्या फर्क पड़ रहा है। अरे भाई जो नंबर कांस्टेंट उसमें अननेसेसरी एमजीएम क्यों लगाना है, जो कांस्टेंट नहीं। हाँ कोई एमजीएम का स्पेशली क्वेश्चन होता जिसमें आपको प्रूफ करना होता तो उसमें आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप रेंज वगैरह की बात कर रहे हो तो कांस्टेंट चीजों को जबरदस्ती इन्वॉल्व मत करो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया था एएमजीएम को यूज करके फंक्शनों की रेंज आप कैसे निकालोगे। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप फोर की। मैंने यहां पर टाइप फोर लिखा हुआ है और टाइप फोर में आप देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है लीनियर बाय लीनियर। कई बार क्या होता है कि हमारे पास सामने जो एक फंक्शन प्रेजेंट होगा वो एक रेशनल फंक्शन की तरह बिहेव करेगा या रेशनल फंक्शन होगा, ठीक है। उसमें भी क्या होगा, ऊपर भी एक लीनियर फंक्शन होगा और नीचे भी एक लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें तो लीनियर नहीं लग रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि लीनियर दिखे, लीनियर जैसा भी दिख सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट को अगर एक्स को आप टी डाल दोगे तो ये लीनियर बाय लीनियर हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर एक्स को टी डाल दोगे तो 3t-1/4-t, ये भी एक लीनियर फंक्शन हो जाएगा। तो लीनियर बाय लीनियर का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप क्या करोगे, आप इसमें जो मैं फंडा बताने जा रहा हूं उसी कंसेप्ट को लगाओगे। लेकिन थोड़े इफ और बट का ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला कोई फिक्स मेथड नहीं है। अब इसको देख रहे हो सर लीनियर बाय लीनियर है ही नहीं है, तो मैंने बोला ना कोई मेथड होता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपके खुद के मेथड डेवलप होते चले जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन को, इसमें करना क्या है, इसमें सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहले इसको y इक्वल टू fx में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू 3x-2/x+1 कर लूंगा। भाई जो fx होता है उसको y तो बोलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, xy+y=3x-2। अब x की सारी चीजें एक तरफ कर दूंगा और y की सारी चीजें एक तरफ कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा xy-3 और यहां से क्या आ जाएगा y+2 का -10। तो कुल मिला के बात आ जाएगी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y+2/3-y, एक वैल्यू आएगी। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ कि जैसे y के लिए हम बात कर रहे थे वैसे x के लिए बात करो कि अगर x को वैलिड होना है तो इसको एक वैलिड क्वांटिटी होना पड़ेगा और इसको वैलिड होने के लिए नीचे वाली क्वांटिटी कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकती है। तो जो 3-y है दैट शुड नॉट इक्वल टू 0, तो जो y है वो नॉट इक्वल टू 3 और जो y है वही तो रेंज है। तो हम क्या बोलेंगे, जो रेंज है फंक्शन की वो y बिलोंग्स टू कितनी होगी, 3 to, मतलब एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3। तो जो y की वैल्यू होती है पॉसिबल उसी को तो रेंज बोलते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था इसलिए इस तरह से हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 2 में देखना, इसमें क्या करेंगे हम कि यहां पर लिखा हुआ है fx=(x+fractional part x+1)। मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूं लेकिन मैं डायरेक्ट सिखाने के मूड में नहीं हूं आपको। आप देखो 2 मिनट के लिए फ्रैक्शनल पार्ट x को हम लिख देते हैं t 2 मिनट के लिए, तो आपको कैसा लगेगा बताओ, y=(t/t+1)। अभी क्या हो जाएगा yt + y=t, तो t को अगर बाहर ले लो तो y-1 और यहां से आ जाएगा -1, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी y/1-y, करेक्ट है। लेकिन इस पर t क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। और आप मुझे ये बताओ फ्रैक्शनल पार्ट के वैलिड होने के लिए दिस क्वांटिटी मस्ट बी लाइंग बिटवीन 0 to 1, क्यों? अरे भाई फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इस क्वांटिटी को किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जो भी वाई का आंसर आएगा वही आपको क्या बन जाएगा, रेंज बना लेगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, 2 मिनट के लिए आप इसको ऐसे लिख लो, लेकिन इसको आपको मैनुपुलेट ज्यादा करना पड़ेगा और डिवाइड कर दोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0, और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होने का मतलब हो गया इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1 और 1 में से मैक्सिमम जाएगा तो मिनिमम आएगा 0, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 0। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1, तो इसकी मैक्सिमम हो गई 2, इसकी मिनिमम हो गई 1/2 और इसमें 1/2 जाएगा तो मैक्सिमम कितनी आ जाएगी 1/2, लेकिन ओपन, क्योंकि
फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कहीं वन तो होगी नहीं। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इसको आप लिख दोगे वाई इज इक्वल टू थ्री टी माइनस वन अपॉन फोर माइनस टी, और जब सॉल्व करते करते मान लो टी इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, तो टी क्या चीज है, साइन स्क्वायर समथिंग, और साइन स्क्वायर कहां लाइन करता है, समथिंग मस्ट बी लाइन बिटवीन जीरो टू वन, तो इधर को सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो फंडा ये है कि अगर किसी चीज को टी मान लो और आपको ऐसा फीलिंग आता है कि वो टी बाय टी में रहेगा तो आंसर आपका आ सकता है, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप ये देखो कि क्वेश्चन नंबर फोर में देखो, आप क्वेश्चन नंबर फोर में आप ध्यान से देखो, इसको मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद देखिएगा। आप ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वन एक्स प्लस वन, और इसको लिख सकते हैं x माइनस वन एक्स माइनस चार, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, लेकिन कैंसिल आउट करने की कंडीशन ये है कि x कैन नॉट बी वन। ठीक है, क्योंकि कोई भी टर्म कैंसिल आउट होने का मतलब है वो नीचे जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आया, y इज इक्वल टू आया x प्लस वन अपॉन x माइनस चार, यहां से आ गया एक्स वाई माइनस फोर वाई, यहां से आ गया x प्लस वन, x को यहाँ कॉमन ले लो, y माइनस वन आ गया और वन प्लस फोर वाई आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, वन प्लस फोर वाई अपॉन वाई माइनस वन। ठीक है, अब यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि इसको वैलिड होने के लिए नीचे जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है ना यार, लीनियर तो हर जगह वैलिड होता है, तो बस इसको देख लो कब वैलिड है। लेकिन जैसे फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो जीरो से वन में लाई करता है, साइन स्क्वायर एक्स जीरो से वन में लाई करता है, तो उसके हिसाब से काम करना है। तो नीचे वाली क्वांटिटी जो है वो जीरो नहीं हो सकती है, तो वाई माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो वाई कैन बी एनी थिंग एक्सेप्ट वन, लेकिन ये आंसर नहीं है। एक चीज हम यहां पर गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ ये कर रहे हैं कि हमने बोला है कि एक्स वन नहीं हो सकता है, और अगर x1 नहीं हो सकता है तो इस स्टेप पर आके देखो y की वैल्यू निकालनी है जब x1 होगा, y की वैल्यू निकालनी है जब x1 होगा, तो 1 अगर आप इसमें डालते तो आएगा 1 प्लस 1 और 1 माइनस 4, इट विल बी 2 अपॉन माइनस 3। अब क्योंकि x तो 1 हो नहीं सकता है, तो अगर x1 नहीं होगा तो y की वैल्यू कभी भी माइनस 2 बाई 3 के बराबर नहीं होगी, तो जो रेंज है आपका वो फाइनली बनेगा y belongs to r माइनस एक और माइनस टू बाई थ्री, ये हो गए आपके रेंज। आरी बात सबने, तो ये कुछ रेंज निकालने के तरीके थे, इसको आप खुद ट्राई करोगे, इसमें से एक फैक्टर कट जाएगा और इसमें से दूसरा फैक्टर भी कट जाएगा, तीसरा फैक्टर, ये अल्टीमेटली लीनियर बाय लीनियर बन जाएगा। लेकिन जिन जिन फैक्टरों को काटा है x की वो वैल्यू हो नहीं सकती है, तो लास्ट में जो भी लीनियर बाय लीनियर बनेगा उन सारी वैल्यूज को डाल के आप देखो कि y की वो वैल्यू नहीं हो सकती है, तो उनका भी ध्यान आपको रखना है। तो ये मैंने अभी कुछ टाइप लिए हैं, अभी टाइप फाइव भी है और टाइप सिक्स भी है, इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में देखते हैं, नहीं तो ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। तो हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे और आपको रेंज के और भी मेथड बताएंगे, और हम साथ में अगली क्लास में हो सकेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। दूसरी बात ये कहना मैं भूल गया कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको और भी डीपीवी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसको करते रहो और जो भी डाउट आए मुझे बताते रहो, ताकि मैं आपको लगातार वीडियो बनाकर देता रहूं। और एक आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे बार बार पोस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई सर ने कोई वीडियो डाल दी है, तो आप खुद ही देख लेना। ठीक है, थैंक यू।